हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रसादम फूड हब में। आज हम बनाएंगे मार्केट में जिस तरह से मिलता है बिल्कुल वैसे स्वाद वाला पापड़ का चिवड़ा। और इसके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। और इसका जो मसाला है, सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बोल में लिया है 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आप इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने लिया है आमचूर पाउडर, थोड़ा सा आप नींबू का सत भी डाल सकते हैं, आधी छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे 2 बड़े बाउल यानी कि 160 ग्राम मैंने लिए है कुरमुरे, ये मोटे वाले कुरमुरे लिए है। और इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी मध्यम आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए, ये क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैंने ने थोड़ा सा तेल एक इसी पैन में गरम कर लिया। 8 से 10 मैंने उड़द के पापड़ लिए हैं, जो डबल मरी पापड़ है। और मैंने मसाले में जो हमने ड्राई मसाला बनाया उसमें येलो चिली पाउडर मार्केट में डालते हैं वो मैंने नहीं डाला, इसलिए मैंने डबल मरी पापड़ लिया है, तो थोड़ा सा तीखा रहेगा। इसको मैंने इस तरह से चूरा बना के साइड पे रख लिया। अब मैं इसमें से तेल निकाल दूंगी और 3 से 4 बड़ी चम्मच जितना तेल रहे उसी तेल में अब आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़े से करी पत्ते डाल देंगे। और गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी करके हमने जो मसाला बनाया था वो मैंने पहले डाल दिया, उसके बाद कुरमुरे भी डाल दिए। उस टाइम पे सॉरी, मेरा वीडियो थोड़ा सा बंद हो गया था, तो ये मैंने पहले से डाल दिया और उसको 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे, पापड़ डाल देंगे और हमने जो बेसन की सेव बना के रखी थी आधा बाउल वो मैं इसमें डाल दूंगी। बेसन की सेव कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दूसरे पतीले में मैंने बड़े से पतीले में ट्रांसफ़र करके 2 चम्मच जितनी चीनी डाली है वो गैस बंद करके ही हमें डालनी है और अच्छे से मिक्स करना है। तो ये तैयार है हमारा पापड़ का चिवड़ा, वो भी 10 मिनट में। तो आप भी इसी तरह से चिवड़ा बनाएं, एंजॉय करें फेस्टिवल को, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू।